ऐसे मारना कितनी जल्दी है दोबारा ना हाय सुन नहीं भैया अरे भैया बस एक बार ये बोल दो लाइक लाइक करें सब्सक्राइब करें खेल लिया है और पसीना पहुंच रहा है भाई क्या बात है बहुत मेहनत कर ली भाई ने तो फोन थे ओए डिलीट नहीं होगा कुछ भी पहले बोल दिया मैंने तुझे Put your wings and fly, go. Hey guys, welcome back with another fresh new vlog. अभी भाई टाइम हो रहा है शाम के 5:40 और आज डेट है भाई 6 मार्च 2022 और भाई बस क्या बताऊं व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल दूं उसके लिए प्लीज मुझे गालियां मत देना जिन लोगों को मेरे व्लॉग पसंद है सो उनके लिए स्पेशली बात मैं बोल रहा हूं फिलहाल भाई हम ढूंढ रहे थे एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट म्यूजिक जो कि हो नॉन कॉपीराइट और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में आजकल भाई कुछ ऐसा सीन चल रहा है जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ एक मेरे पास में टोन है मतलब सॉफ्ट म्यूजिक की जो कि मैंने डाउनलोड की थी एपिडेमिक साउंड से और जबकि मैं उन्हें अपनी वीडियो में क्रेडिट भी देता हूँ उसके बाद भी उस वीडियो पर जाता है कॉपीराइट और बाद में पता चलता है कि भाई वो गाना जो था वो किसी और का था और भाई फिर मुझे वो कॉपीराइट हटाना पड़ता और वो गाना पूरा मतलब अजीब सा हो जाती है वीडियो और फिर मुझे काफी अजीब फील होता है कि भाई दोबारा देखो मेन चीज ये है कि अगर एक वीडियो को लोग दोबारा देखेंगे इसका मतलब लोग आपको पसंद कर रहे हैं ठीक है दोबारा वीडियो देख रहे हैं तो भाई एक चीज होती है अब कल को वो बंदा मुझे आके बोले कि भाई रक्षित त्यागी जी तुम्हारी जो वीडियो है उसमें जो गाना आपने लगाया हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई मतलब कि वहां गाना नहीं आ रहा एकदम से गाना स्टॉप हो जाता है या मतलब गाना नहीं बज रहा सो वो चीज मुझे काफी डाउटफुल लगती है और अजीब सा फील होता है अंदर से सो मैं चाहता हूँ कि वो चीज ना हो मेरे साथ में दैट्स व्हाई मैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट म्यूजिक ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको वीडियो देखने में काफी अच्छा लगे आप लोगों में से किसी कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक बहुत अच्छा सा पता हो सो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में या आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो और जो अपने जानकार है वो प्लीज व्हाट्सएप बता सकते हैं मेरे को भाई और इंस्टाग्राम पे बता दो जो कुछ भी हो बता दो प्लीज भाई सॉफ्ट म्यूजिक की बहुत जरूरत है एक तो मैं ये सुन रहा हूँ देखो बट ये सॉफ्ट नहीं है पहली चीज बता दूं मैं ठीक है तो इसलिए थोड़ा हार्ड एक सॉन्ग है इसलिए थोड़ा देख लिया मैंने बाकी और तो कुछ नहीं है इसके अलावा होप है टॉप यू एंड सैडनिक नाम भी समझ में नहीं आ रहे बाय द वे स्नैप आ गए सॉरी उसके लिए लेकिन भाई गाना बताना मुझे वैसे मैं ढूंढ तो रहा हूँ लेकिन जो सॉफ्ट म्यूजिक मैंने लगाया होता है ना अपनी वीडियो में एक तो वो इंग्लिश टाइप में थोड़ा मजा से नहीं आ रहा लेकिन मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई पियानो का एंड म्यूजिक जो मतलब काफी अच्छा लगे वीडियो में सो बताना गाइस कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम बता दो जहां बताना है बता दो प्लीज बता देना रिक्वेस्ट आपसे बहुत ज्यादा है बाय द वे लाइट काफी हेल्प कर रही है मेरी जिससे मेरी शक्ल काफी शाइन मार रही है बाय द वे आज मैं नया नहीं हूँ हैशटैग ठीक है और बाकी चलो ठीक है भाई जैसा हो मुझे बताना और बाय द वे Q&A का पार्ट 3 जल्दी ही आने वाला है जो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा था सो पहले बता दूं मैं मजाक नहीं कर रहा था ठीक है Q&A का पार्ट 3 जल्दी ही आने वाला है सो जिन लोगों को Q&A में अपने क्वेश्चंस डालने हैं कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक अपनी पोस्ट डाली हुई है उसमें जाके कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने क्वेश्चंस बेझिझक बता सकते हो और अपना नाम जरूर से मेंशन कर देना ताकि मैं नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 3 Q&A का उसमें आपके नाम मेंशन कर सकूं अभी हो गया टाइम हमारा बैडमिंटन खेलने का अभी जिसमें कर रहा हूँ नितिन कॉल और अपन निकलते हैं VRC के लिए बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं बाय द वे दोबारा बता दूं कि VRC हमारे यहाँ पे एक क्लब है जो कि मैंने काफी टाइम पहले लोगों को बताया था अपने व्लॉग्स में जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं जाके उन्हें देखो और उन्हें लाइक करो ठीक है अभी सीधा मिलेंगे आपको बैडमिंटन कोर्ट में पहुंच के तब तक के लिए सिया ये लाइट है वैसे गाइस हम बैडमिंटन खेलने जाने के लिए फुल रेडी हैं और आप लोगों को एक बात और बतानी है कि भाई ने अपनी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स लगभग कंप्लीट कर ली हैं थोड़ा बहुत मतलब ऊपर की चीजें बाकी जैसे कि नेम लगाना वगैरह इकोनॉमिक्स की नहीं इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं हुई है अकाउंटेंसी कंप्लीट है क्योंकि अकाउंटेंसी का हमारा प्रैक्टिकल आने वाला है और हमारी बिजनेस स्टडीज ही कंप्लीट है बिजनेस स्टडीज के बाद में हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की कंप्लीट है बाय द वे एंटरप्रेन्योरशिप मैंने ऑप्शनल में है ठीक है फाइन आर्ट्स की कंप्लीट है सभी कंप्लीट है लगभग हमारी और भाई कल हम कर देंगे जाके स्कूल में उन्हें सबमिट क्या संडे है और कल है मंडे सो अभी फिलहाल चलते हैं भाई और सीधा खेलते हैं जाके बैडमिंटन और इस बार आपको सीधा बैडमिंटन कोर्ट में जाके ही मिलेंगे ठीक है इस बार नो शूटिंग बिना बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचे हुए ये वाला शॉट मेन था बाय द वे क्वालिटी थोड़ी बेकार है ये फाइल स्कूल से मैंने किसी की ली है ये वाली मेरी फाइल है ऊपर वाली मेरी फाइल है एक ब्लू कलर की फाइल है ये वाली इस पे मुझे चढ़ाना है अपना मैंने एक प्रूफ दे दिया कि मैंने कर ली है कभी काफी लोग बोले कि भाई तूने फाइल दिखाई नहीं झूठ बोल रहा है इसमें झूठ नहीं बोल रहा मैंने फाइल कर ली है ठीक है इस बार तो 100% कोर्ट में पहुंच के मिलेंगे ठीक है तो बाय सो भाई फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं कोर्ट में और हमारे साथ में नित्य क्या हाल है भाई बढ़िया भाई एक सेकंड रुक जा भैया आपको अपने व्लॉग में ले रहा हूँ क्या हाल है बढ़िया भाई बढ़िया
सो भाई भैया आपसे एक बात हो, जैसे हम बैडमिंटन खेल रहे हैं काफी दिनों से, तो मतलब पहले आप अच्छा नहीं खेलते थे, अब जैसे आप रेगुलर खेल रहे हो तो मैं थोड़ी कुछ इंप्रूवमेंट लगी ना बहुत ज्यादा पहले से, है ना? अबे हम खेल रहे हैं साथ में तो बहुत ज्यादा लगती है ना। बाकी चलो ठीक है भाई, व्लॉग में लेना आपको मुझे। और भैया ने बोला नहीं खुद, मैं खुद आया हूँ ना, कभी फिर कोई बोले कि भाई वैसे लगे आया। चलो ठीक है नितिन, नाइस मास्क उतारियो। अबे तू दिख नहीं रहा भाई, अबे दिख नहीं रहा तू, मास्क उतार। तो फोन पे ओए डिलीट नहीं होगा इसमें कुछ भी, पहले बोल दिया मैंने तुझे। अरुष क्या हाल है? बढ़िया, सबको हाय बोल दे भाई। अरे भाई कमेंट अभी रुक जा। जीत कौन रहा है वैसे? जीत रहे भैया हैं? अरे क्या क्या बात है, उर्वीश पहली बार जीत रहा है, मतलब जीतता काफ़ी बार है, मुझे हराया था टीटी में, लेकिन आने वाले टाइम में तुझे मैं हरा दूंगा अगर मैं ऐसे ही खेलता रहा तो, है ना? सो भाई अभी उर्वीश ने बहुत खेल लिया है और पसीना पहुंच रहा है भाई, क्या बात है, बहुत मेहनत कर ली भाई ने, क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या बोलते हैं, तू ऐसे ही खेलता रहे और सिर्फ मेरे से हारा कर, बाकी सबसे तू जीता कर, ठीक है? आई अप्रिशिएट दैट यू विल, मतलब तू मेरी बात को मानेगा, ठीक है? माननी पड़ती है। हाँ मानियो हैं बट अरे अब ये उर्वीश ने भैया को दे दिया टीटी बैट, अब भैया खेल रहे हैं। खेलना क्यों नहीं आता, इतना अच्छा खेल रहे हो यार आप। इस फोन का वैसे फोकस अच्छा है ना अशभिया, देखना कितनी एकदम फोकस अच्छा है इसका। क्या हो गया, बच गया? ये शूट हुआ है पूरा, जैसे रेड गिरता हुआ। ग्रेविटी का काम नहीं है भाई, ये मेरे ना वो है कमाल, कि मैंने एकदम से ना तो ये मेरे शॉट के लिए हुआ है, ये वही वाला है ऐसे मार दो फुटी देती है वाला ना, वही वाला ना, ज्यादा हाई नहीं होगी बात, मैं ऐसे कर रहा है तू। अच्छा चल कोई नहीं, चल के साथ में खेल, कोई बता दे तू खेलने में लाइब्रेरी हूँ, ठीक है? जब जगह हो जाएगी बता दियो, ठीक है? तो भाई अभी फिलहाल आ गए हम कोर्ट से बाहर, और भाई मैं जा रहा हूँ अभी, यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहा, ठीक है? सिर्फ ऐसे ही बैठने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रेस्ट हो जाएगा बस। आज लाइट ऑन नहीं हुई, पता नहीं क्यों भाई, आज इसकी लाइट ना ऑन करनी पड़ेगी। असल में क्या है कि इसमें लगा हुआ है भाई सेंसर, पंखा ऑन कर दो, सारे लाइट ऑन कर दो। अब भाई मैंने सारे फैन ऑन कर दिए हैं, सारी लाइट्स ऑन कर दिए हैं, भाई की शक्ल काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे पता है, क्योंकि मैं दिखने में काफ़ी स्मार्ट हूँ। स्मार्ट पहले बात तो मैं हूँ नहीं वैसे, इतना ज़्यादा स्मार्ट मैं लग रहा हूँ क्योंकि भाई पसीना आया है बॉडी के, मतलब मुंह के ऊपर जो गंदगी सब गायब हो चुकी है, ठीक है? इसलिए मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। बाकी भाई यहाँ पर बैठे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो इसीलिए। और बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले रेस्ट खेल लेते हैं क्योंकि अभी दोबारा जाना है हमें खेलने के लिए। वैसे मैं इससे पहले काफ़ी मैच खेल चुका हूँ बट अब नितिन आ गया है सो ऑब्वियसली बात है खेलेंगे ही।